हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो सेशन में बात करने वाले अपन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन पेपर की यहाँ पे बात करेंगे। अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर अपन ने इंक्लूड किया है, जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इनके बारे में जान सके और आने वाले एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन करने का मौका पा सके। पहले प्रश्न है अपना आज का, अपना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो पहले प्रश्न में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया है, यह किस वर्ष शुरू किया गया आपको यहाँ पर बताना है। तो कब शुरू किया गया था, इसके चार ऑप्शन है, 1973 है, 1974 है, 1975 और 1976। तो दोस्तों यह जो शुरू किया गया था, यह किया गया था सन 1973 में। कब किया गया था, 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। तो टाइगर को बचाने के लिए यहाँ पर टाइगर जो कि प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है। आपको पता है प्याज और लहसुन में गंध आती है, जो किस तत्व के कारण होती है, या फिर इसमें कह सकते हैं इनका जो तीखापन होता है प्याज में काफ़ी ज़्यादा, और इनका जो किस तत्व है, कौन सी तत्व की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो यह होता है दोस्तों यहाँ पे सल्फर की वजह से। किसकी वजह से, सल्फर की वजह से। तो यहाँ पे अपना सही आंसर अब हो जाएगा डी है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो प्याज जो लहसुन में गंध का आना, या फिर आपसे पूछा जाए इनका तीखापन किसकी वजह से होता है, तो यह होता है यहाँ पे सल्फर की वजह से। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया और हर बार प्रश्न को इसको पूछा जाता है, इसे उल्टा भी पूछा जाता है। मैं कैसे पूछा जाता है वो मैं उत्तर से बताऊंगा। तो यहाँ पे है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो यह किया गया था सरकारी आयोग। कौन सा था, सरकारी आयोग। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, उल्टा भी इसको काफ़ी बार पूछा गया कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों हेतु गठित किया गया एक आयोग था, जो कि था सरकारी आयोग। तो बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। नई दिल्ली का वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है डिज़ाइनर, क्या हो जाएगा, डिज़ाइनर। डिज़ाइनर यानी यहाँ पे इंजीनियर कह सकते हैं आप, तो वो कौन था आपको यहाँ पे पूछा गया, नई दिल्ली का वास्तुकार। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा एडविन लुटियन। कौन हो जाएगा, एडविन लुटियन, जो कि कहाँ का था, इंग्लैंड का था। विद्याधर भट्टाचार्य के बारे में आपको बात याद पे ध्यान रखनी है कि यह जयपुर का जो निर्माण किया गया था उसका वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य था वहाँ पे। और एडविन लुटियन है जो कि यहाँ पे नई दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो कि मतलब पूरी नई दिल्ली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन है और वहाँ का संसद है वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे इन्होंने जो डिजाइनिंग की थी वो की थी इसने। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं कुछ जो कि पिंड है, लेकिन ग्रहों की तरह वो समान रूप से चक्कर लगाते रहते हैं और हैं इन दोनों ग्रहों के बीच में, या किसी पर्टिकुलर किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहे हैं, नहीं ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, यह सिर्फ उनके बीच में घूमते रहते हैं, बहुत सारे हैं, तो इनको किस नाम से जाना जाता है यह आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना ए, आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि उन्हें शुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें शुद्र ग्रह जो कि कहा जाता है। किन किन के बीच में, ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रश्न, ऐसे पूछा जाता है कि शुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं। तो कहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है आपको बताना है। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये अपनी पृथ्वी है, तो ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है यहाँ पे मकर रेखा, ठीक है। तो यह हो जाएगी अपनी कर्क रेखा, यह हो जाएगी भूमध्य रेखा और यह हो जाएगी मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच में है, तो सूर्य है जो कि इन दोनों के बीच में ट्रेवल करता रहता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच होता है, तो कभी तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा और यहाँ रात छोटी हो जाएगी, कभी यहाँ पे दिन बड़ा होगा तो यहाँ पे रातें छोटी हो जाएगी, इस तरह होता रहता है। लेकिन जो यह है यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यह जो भूमध्य रेखा है इन पे समान रहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा है, जो कि यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछा गया, यह कहाँ पर स्थित है, तो इसको ध्यान रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा मदुरै। मदुरै कहाँ पर है, तो तमिलनाडु। तो मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहाँ पर है, मदुरै में।
नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक किस देश में होता है? तो दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा अपना भारत, ठीक है? तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग है जो कि होता है? शायद यह प्रश्न एक बार अपन ने पहले भी कर लिया है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, इसका एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज है, तो उपयुक्त दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, या फिर हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपसे पूछा गया है, कौन सा है यह आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अन्नाई मुड़ी। क्या हो जाएगा? अन्नाई मुड़ी है जो कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना के बारे में पूछा गया है, यह कौन सी नदी पर बनाई गई परियोजना है? तो यह दोस्तों आपको बता दूं गुजरात से रिलेटेड है, और इस परियोजना को जो कौन सी नदी आपसे पूछा जाए, तो नर्मदा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डी आपका सही आंसर है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट है तो उन्हें किन नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि भारत का जो दक्षिणी छोर है यहाँ पे आपको समुद्र देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो समुद्र किनारे हैं वहाँ तट कहा जाता है, और इनका पर्टिकुलर विशेष नाम है। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो हिस्सा लगता है वहाँ पे आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है, और वहाँ जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। कौन सा नाम है? तो कोरोमंडल तट है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध पूछा गया है, कौन से यहाँ पे फील्ड से है यह आपको यहाँ पे बताना है। तो भारत में क्रांतियाँ जो है इनसे रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इस तरह के प्रश्न तो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इससे और भी क्रांतियाँ हैं तो उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए, और यह जो क्रांति है नीली क्रांति वो है मत्स्य पालन से संबंधित। किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का उत्पादन पूछा गया है किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होती है? गुजरात में। कहाँ पे होती है? गुजरात में। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला सबको याद है, लेकिन कम वर्षा वाला स्थान भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक है जो कि होती है मासिनराम मेघालय में। कहाँ पे होती है? तो वो होती है मासिनराम मेघालय में, ठीक है? तो मेघालय आपको ध्यान रखना है। और कम वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो लेह जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर सबसे कम है वर्षा जो कि होती है, तो लेह जम्मू कश्मीर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? पृथ्वी की भगिनी भी इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ग्रह आपको बताना है जुड़वा जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह पृथ्वी का? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो कि यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, और इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की भगिनी, ठीक है? तो यह भी आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है यह आपको बताना है, और यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं जो कि यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इनके जनक ध्यान रखना है, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति थी। नेक्स्ट है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदल युक्त भूमि आपको बताना है, वहाँ पे कौन सी गैस है जो कि होती है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे आपका बी है, जो कि मीथेन। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन जितने भी हैं इन सब के रासायनिक नाम है दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए क्या क्या रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे ई का जो है वो हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल है, जो कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ई टै से आपको ध्यान रखना है, ई से यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ई, और टै से हो जाएगा टेकोफेरोल, ठीक है? तो ई से आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984, 1984 में हुई थी। किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यह हुई थी यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट। किसकी वजह से? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किया गया था यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आपका सही आंसर है यहाँ पे, सॉरी बी आंसर, ठीक है। विलय की नीति किसने लागू की? तो विलय की नीति है जो कि किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह की गई थी किसके द्वारा? तो यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। विलय क्या होते हैं? तो प्राचीन समय में जितनी भी रियासतें थे उनको अपने साथ मिलाने की जो नीति थी, यानी विलय करने की जो नीति थी, वो थी लॉर्ड डलहौजी की। इसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1906 के अंदर। कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो केसरी और मराठा अखबार के पूर्व बारे में पूछा गया है, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका संपादन यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यह जो मराठा है यह मराठी भाषा में नहीं था, यह था इंग्लिश भाषा में। किस में था? तो यह इंग्लिश भाषा में था, और यह जो केसरी है यह है मराठी भाषा में था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाए तो मराठा नाम होने से ये मराठी नहीं है, यह इंग्लिश भाषा में है, और केसरी जो है यह है मराठी भाषा में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय आपसे पूछा गया है कौन था, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय था यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद 1858 में जो अधिनियम आया था, उसके बाद से वहाँ पे जो अपना गवर्नर का पद था उसको वायसराय में बदल दिया गया था, और पहले वायसराय बनाते थे लॉर्ड कैनिंग, और 1857 की क्रांति के समय भी यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध आपसे पूछा गया किस क्षेत्र से था, तो वह उनका संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की आपको यहाँ पे राजधानी यानी कि कैपिटल है, जो कि आपको यहाँ पे बताना है कौन सी राजधानी थी महाराजा रणजीत सिंह की, तो उनकी थी लाहौर, यानी कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो रणजीत सिंह की राजधानी पूछा जाए तो लाहौर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका आपसे पूछा गया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो की टीके की खोज की गई थी यहाँ पे जोनास साल्क के द्वारा। किसके द्वारा? जोनास साल्क हैं, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो साल्क टीका आपको ऐसे भी पूछा जाए तो पोलियो का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पे जैन संत की एक विशाल प्रतिमा है, तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है गौतमेश्वर से। किसे है? गौतमेश्वर बाहुबली भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो गौतमेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, ऐसा भी उल्टा भी पूछा जाए, गौतमेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, और किस धर्म से है? तो जैन संत है ये, इनकी यहाँ पे प्रतिमा है। नेक्स्ट है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे पंचायतों के बारे में आपसे पूछा गया है, यहाँ इनका जो सदस्य बनने के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थे? तो यहाँ पे न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? पानी की मात्रा के बारे में पूछा गया है, किस नदी की सर्वाधिक है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमेजन की, ठीक है। यहाँ पे सबसे लंबी नदी नील है, देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे लंबी नदी है जो कि है नील नदी है। पानी की मात्रा के दृष्टि से देखें या फिर बहाव की दृष्टि देखें तो सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो यहाँ पे अमेजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, सर्वाधिक अमेजन में लंबी नदी यहाँ पे नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं यहाँ पे खरीफ की फसल। क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल यहाँ पे सही हो जाएगा, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ में स्थित प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था नेक चंद के द्वारा। किसके द्वारा? नेक चंद के द्वारा। तो यहाँ पे अपना ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा गया है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जो कि हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है। तो ये आपका डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि आपसे पूछी गई है, कौन सी है दोस्तों आपको बताना है। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा लेक सुपीरियर झील। कौन सी हो जाएगा? सुपीरियर झील है जो कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पे मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है जो कि हो जाएगा यहाँ पे टीटिकाका झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो कि भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे मीठे पानी की या फिर कृत्रिम झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा। भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील। तो ये सभी एडिशनल जानकारी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन जिसमें आपने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो गवर्नमेंट जॉब के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।